हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मीडियम बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े हरे प्याज के पत्ते, धनिया के पत्ते, 1 बारीक कटे हुए बीटरूट, 3-4 हरी मिर्च और ये 5 से 7 आलू लिए हमने। इसे हमने बॉइल करके रख लिया है। और अब हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे। तेल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच खड़ी धनिया के दाने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सभी को चटक जाने के बाद हम इसमें प्याज, बीटरूट और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और तब तक हम इसमें डालने के लिए आलू को मैश कर देंगे। इसी के साथ हम बीच बीच में प्याज को भी चलाते रहेंगे। और अब प्याज भी भुन चुकी है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ हमने 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें मैश किए हुए आलू को डाल देंगे और इन्हें हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम डाल रहे 1/2 कटोरी हरी मटर, इन्हें हमने 2 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है। ऐसा करने से मटर का कलर बिल्कुल ही हरा रहता है। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद हम सभी को अच्छे से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं हरी प्याज के पत्ते, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी चटपटी मसाले बनकर तैयार हो गई है। और इसी के साथ हम लास्ट में 1/2 चम्मच अजवाइन और कलौंजी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। धनिया के पत्ते डालकर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडे होने के लिए इसे छोड़ देंगे। और अब हम एक बड़े बर्तन ले रहे हैं, इसमें हम 3 कप मैदा डाल रहे हैं। मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है, आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना ही इसमें मैदा डालें। हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी डाल देंगे। और इसी के साथ हमने 1/3 कप यानी 30 ml रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और अब हम सभी को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमने मिक्स करने के लिए गुनगुनी पानी ली है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालकर मैदे को मिक्स करेंगे हाथों से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही न्यू रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी है। और इस डो को गूंदने के लिए हमें बिल्कुल 1 कप पानी लगी है। अब हम डो को सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, डो अब बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने इसे सॉफ्ट कर लिया है। डो को ना ज़्यादा हमने हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट रखा है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे हम किचन टॉवल से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद आटे को हम थोड़ा गूंथ लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोई काट कर पहले हम रख लेंगे। लोई को हम बिल्कुल नींबू के साइज के काटेंगे। ये देखिए, हमने सभी लोई को काट कर रख लिया है। और अब हम इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे। इसी तरह हम सभी पूड़ियों को बेलकर एक प्लेट में रख लेंगे। सभी पूड़ियों को हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम एक पूड़ी उठाएंगे और इसे हम एक बर्तन के ढक्कन से इसे हम गोल कट कर लेंगे। सभी पूड़ियों को हम इसी तरह से कट करके रख लेंगे।
और अब हम एक पूड़ी लेंगे और इसमें हम आलू की फिलिंग डालेंगे। आलू की फिलिंग हमने बिल्कुल पेड़े की साइज के लिए है। और अब हम पूड़ी के कॉर्नर पे पानी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम एक और पूड़ी को अच्छे से चिपका लेंगे प्रेस करते हुए, और इसकी सभी साइड्स पे पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे। ध्यान से इसके स्ट्रिप्स काटे, वरना इसे छानते टाइम आलू की फिलिंग इससे बाहर आ जाएगी। फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी मेहनत की बात है। बस थोड़ी सी मेहनत से हमारी बहुत ही सुंदर और यूनिक स्टाइल का हमारा समोसा बनकर तैयार होगा। हमने सभी स्ट्रिप्स को काट लिया है और अब हम इसके तीन तीन स्ट्रिप्स लेंगे और इसे प्रेस करके पंखुड़ियों का शेप दे देंगे, जिससे ये बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लगेगी। और ये देखिए, हमने सभी पंखुड़ियों को बना लिया है। इसी तरह हमने सभी सनफ्लावर को बनाकर रख लिया है। लग रही है ना बहुत सुंदर, बिल्कुल सनफ्लावर की तरह। और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और अब हम एक एक कर सभी सनफ्लावर को इसमें डाल देंगे। कढ़ाई में जितनी स्पेस हो आप उतना ही इसमें सनफ्लावर डालें। और कढ़ाई को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे हम डीप फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट होने के बाद हम अपने सभी सनफ्लावर को पलट लेंगे और दोनों साइड से हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी सनफ्लावर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब तो ये और भी सनफ्लावर की तरह दिखने लगी है। सनफ्लावर पे इसी तरह का कलर आने के बाद हम इसे छानकर निकाल लेंगे और इसे हम गर्म गर्म ही सर्व करेंगे। इसे आप किसी भी टमाटो केचप या इमली की चटनी या फिर कोई भी चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। हम आपको एक तोड़कर दिखाते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये आज की सनफ्लावर समोसा की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।